10 लाख रुपए दो और कोर्ट से जमानत ले लो, कैसा हो सकता है? जी हाँ, ऐसा हो सकता है और ऐसा हाल ही में हुआ भी है। देश की अदालतें कई बार बेल देते समय ऐसी कंडीशंस लगाती है जो सोचने को मजबूर कर देती है। कई बार कोर्ट कहती है कि आप 10 लाख रुपए दो तो जमानत दे देंगे। कई बार कोर्ट कहती है कि आप सोसाइटी में जाके ये सर्विस करो, आप यहाँ पे जाके समाज सेवा करो तो हम आपको बेल दे देंगे। देश की उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट बार बार ऐसे ऑर्डर्स पे अपना कमेंट करते आई है और कहते आई है कि ये किस तरह की प्रैक्टिस गलत है। हाल ही में 498A के एलिगेशन में एक ऑनरेबल हाईकोर्ट ने हस्बैंड को बेल देते समय ये बोला कि आप अपनी वाइफ को 10 लाख रुपए दो और उसके बाद हम आपकी जमानत ले लेंगे। अब ये बेल की कंडीशन सही है या गलत वो हम आपको आज बताएंगे इस डिटेल वीडियो में, क्योंकि हम बात करने वाले हैं उस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के जो हाल ही में आया है, जिसमें उस हस्बैंड ने जिसको 10 लाख रुपए देने को बोला था वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने सारे जजमेंट्स का एनालिसिस करते हुए फाइनली गाइडलाइंस डिसाइड किए, एक गाइडलाइंस दिए सारे हाईकोर्ट को कि आप बेल लेते समय क्या ध्यान रखेंगे और क्या ध्यान आपको नहीं रखना है। उन सारी बातों को जानेंगे आज आप इस डिटेल वीडियो में, और इस वीडियो में जब हम उस बात को जानेंगे तो साथ ही साथ जानेंगे 438 एंटीसिपेटरी बेल के बारे में, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम जो जजमेंट की बात कर रहे हैं उसमें एंटीसिपेटरी बेल यानी 438 की ही बात हुई थी। तो शुरू करेंगे आज का ये खास वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई कानूनी समस्या है और आप उसका समाधान चाहते हैं तो मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप उस लिंक पर पहुंचकर हमारी टीम से बात करके डिटेल में अपनी कानूनी समस्याओं का फोन पर या रिटर्न ओपिनियन लेके समाधान पा सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये खास वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना वकील दोस्त और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स। ये वो चैनल है जो आपको जागरूक करता है कानून की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं बेल देते समय जो कोर्ट कंडीशंस लगाती है उनके बारे में, और आज मैं जो जजमेंट की बात कर रहा हूँ वो है रविकांत श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2022 सुप्रीम कोर्ट। उसकी मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप उस लिंक पर जाकर अगर आप चाहें तो पूरा जजमेंट भी वहाँ से पढ़ सकते हैं। इस केस में 2015 में शादी होती है। 2015 में शादी के बाद से हस्बैंड और वाइफ में डिस्प्यूट्स होते हैं। जब डिस्प्यूट जब ज़्यादा बढ़ते हैं तो 2016 में हस्बैंड को लगता है कि अब मुझे अब मेरी वाइफ से अलग होना है, तो वो इसके लिए डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की एक एप्लीकेशन डालता है, यानी हम उसको सिंपल भाषा में बोलें तो सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में डिवोर्स की एक एप्लीकेशन फाइल करता है कंसर्न फैमिली कोर्ट में। और वो जब पेंडिंग होती है तो 2017 के अंदर ही वाइफ एक FIR दर्ज कराती है अपने हस्बैंड और उसके रिलेटिव के खिलाफ 498A IPC में और डोरी प्रोहिबिशन एक्ट के सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में। दोस्तों 498A IPC और सेक्शन 3 और 4 डोरी प्रोहिबिशन एक्ट का इस बात को कहता है कि अगर शादी के समय यानी जब शादी हुई है तब या फिर शादी के बाद अगर हस्बैंड या उसकी फैमिली दहेज को लेके किसी भी तरह की क्रूरल्टी करते हैं तो उसमें सजा का प्रावधान है। इन सब बातों को लेकर जब वो वाइफ एक FIR दर्ज कराती है तो पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो हस्बैंड होता है वो अप्रोच करता है अपने ऑनरेबल हाईकोर्ट में, और वो हाईकोर्ट में जब अप्रोच करता है 438 की बेल एप्लीकेशन के लिए यानी एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन के लिए, तब ड्यूरिंग दैट बेल एप्लीकेशन ऑनरेबल हाईकोर्ट ये कहती है कि हम आपको 438 यानी एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत देने को तैयार है, बट उससे पहले आपको 10 लाख रुपये आपको अपनी वाइफ को एज ए कंपनसेशन देने होंगे। अगर आप अपनी वाइफ को 10 लाख रुपये दे सकते हैं एज ए कंपनसेशन तो आप आज ही हमसे बेल ले जाइए। तो इस बात से एग्रीव्ड होकर वही हस्बैंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करता है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है वो जानने से पहले हम एक बार थोड़ा सा 438 का बेसिक कानून भी जान लेते हैं, यानी जो एंटीसिपेटरी बेल का होता है। हालांकि हमने इसमें बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसकी भी लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूँ, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। बट 438 में बेसिकली बात करते हैं हम अग्रिम जमानत की यानी एंटीसिपेटरी बेल की, कि जब गिरफ्तारी नहीं होती है यानी गिरफ्तारी होने से पहले हम कोर्ट में जाकर बेल सिक्योर कर लें ताकि जब पुलिस गिरफ्तार करने आए तो हम मुचल के भर के यानी बेल बॉन्ड मर के फ्री हो जाए और पुलिस हमें गिरफ्तार ना कर पाए। 438 भाइयों सबसे पहले सेशन कोर्ट में लगती है और अगर वहाँ से डिसमिस होती है तो आप हाई कोर्ट अप्रोच करते हैं, उसमें मजिस्ट्रेट के पास इसका जुरिडिक्शन नहीं होता है। 438 CRPC प्रोविजन होता है जिसके तहत आप सीधा सेशन कोर्ट में या फिर उसके बाद हाई कोर्ट में आप अप्रोच कर सकते हैं और अग्रिम जमानत का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपको एक FIR की कॉपी चाहिए होती है जो आपके खिलाफ दर्ज हुई होती है। उस FIR की कॉपी के साथ आपको अपनी बेल एप्लीकेशन लिखनी होती है और अपने ग्राउंड्स देने होते हैं और बताना होता है कि सर ये मेरे ग्राउंड्स हैं इसलिए मुझे 438 मेंटेनेबल है। कई बार ये भी सवाल उठता है कि अगर मेरे खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं हुई है और मुझे ऐसी आशंका है कि पुलिस मुझे गिरफ्तार कर सकती है तो भी उस कंडीशन में मैं 438 में अपनी मूव कर सकता हूँ।
एक सवाल और ही उठता है कि सपोज अगर मैं राजस्थान में रहता हूँ फॉर एग्जांपल, और मेरे पे जो एफआईआर दर्ज करवाने वाला है वो महाराष्ट्र में या कलकत्ता में या मद्रास या किसी और स्टेट में है, और अगर वहाँ की पुलिस मुझे पकड़ने आए तो क्या मुझे उससे पहले उन हाई कोर्ट्स में या उन सेशन कोर्ट में जाकर बेल लेनी पड़ेगी? तो उसके लिए भी आपको चिंता की बात नहीं होती, बिकॉज एंटीसिपेटरी बेल में एक ट्रांजिट बेल का प्रोविजन होता है। ट्रांजिट बेल का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे खिलाफ कोई महाराष्ट्र में एक एफआईआर दर्ज होती है और मुझे महाराष्ट्र से जाके अगर एंटीसिपेटरी बेल लेनी है, तो उससे पहले मैं राजस्थान की कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर वहां से ट्रांजिट बेल ले सकता हूं, और जब कोर्ट मुझे ट्रांजिट बेल देगी तो उसका मतलब ये होगा कि मुझे अगले 7-10 दिन तक कोई भी पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, और तब तक उसके बाद में उस हाई कोर्ट में या उस सेशन कोर्ट में जाकर रेगुलर बेल एंटीसिपेटरी लगा के ले सकता हूं। तो ये होता है ट्रांजिट बेल का प्रोविजन। तो ये आपने बेसिक जाना 438 का प्रोविजन कैसा होता है, कहां अप्लाई होता है, और एक बार अगर आपको बेल मिल जाए तो सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट जजमेंट के हिसाब से वो टिल द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल वैलिड रहती है, यानी जब तक आपकी ट्रायल चलेगी तब तक कोई भी आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता। बस हाँ, कुछ कंडीशंस होती हैं जो आपको फॉलो करनी होती है, जैसे आप किसी भी गवाहों को नहीं धमकाएंगे, या कोई जो एविडेंस है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, या फिर आप उस कंट्री को छोड़ के नहीं जाएंगे जब तक आपके पास कोर्ट की परमिशन ना हो। तो ये सारी बातें जब जानने के बाद 438 आपको ग्रांट करती है। तो खैर, अब हम आते हैं वापस इस जजमेंट पे, जहां पे हस्बैंड को बेल मिलती है 438 में, लेकिन विद दिस कंडीशन कि आप 10 लाख रुपए दो अपनी वाइफ को, आप बेल ले जाओ। इस ऑर्डर को वो चैलेंज करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और जजमेंट जो मैं जिसकी आज बात कर रहा हूँ, जो मैंने लिंक दिए, वही जजमेंट में आज सुप्रीम कोर्ट इसको डिटेल में डिस्कस करती है। जब सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा आता है तो सुप्रीम कोर्ट अगेन ये बात लगती है कि हमने टाइम एंड अगेन देश की सारी हाई कोर्ट्स को ऐसी डायरेक्शन दी है कि जब आप बेल लेते हैं तो कोई भी इस तरह की कंडीशन इम्पोज ना करें जो आर्बिट्ररी लगे या अनरीजनेबल लगे। अगर हम कानून की बात करें तो कानून में नो डाउट ऑनरेबल जज के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि वो उनको जैसी कंडीशन रीजनेबल लगे वो इम्पोज कर सकते हैं, बट द वर्ड इज रीजनेबल। अब रीजनेबल क्या होता है वो ऑनरेबल के डिस्क्रिशन पर डिपेंड करता है, लेकिन पैसे की जो कंडीशन होती है उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टाइम एंड अगेन डिस्क्रिशनरी पावर का मिसयूज माना है। यानी अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि अगर आप किसी को पैसे लेकर बेल दे रहे हो तो वो हमेशा बेल की कंडीशन गलत होगी। इन सब जजमेंट को डिस्कस करने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस कंक्लूजन पे पहुंचती है कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 438 बेल लेते समय जो कंडीशन इम्पोज की है वो बिल्कुल सरासर गलत है, और किसी भी तरह की मॉनेटरी कंडीशन इम्पोज नहीं करी जा सकती 438 की बेल लेते समय। यानी दोस्तों, अगर आपके साथ भी कोई इस तरह का मुद्दा है या जहां आपकी बेल एप्लीकेशन है, और अगर आपको कोर्ट इस तरह का ऑर्डर कर रही है कि जहां आपको पैसे भर के बेल लेनी हो, तो आप इस जजमेंट का सहारा लेकर आप उस कंडीशन को हटवा सकते हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन इलीगल होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहें। और हाँ, मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप चाहें तो मुझसे या मेरी टीम से बात कर सकते हैं और अपनी कानूनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। मिलेंगे अगली बार इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।